स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने पिछले क्लास में भाषा क्या है, भाषा का प्रयोग कितने प्रकार से होता है, ये सारी चीजें जाना। आज हम लोग भाषा का विविध रूप देखेंगे। ध्यान से देखिए, आजकल भारत तथा विदेशों में हिंदी से जिस भाषा का बोध होता है उसके भारत में कई रूप प्रचलित हैं। यानी भारत में और विदेशों में हिंदी के बारे में जो ज्ञान होता है उसका किस तरह से कितना रूप माना गया है। ध्यान से देखो, आजकल भारत तथा विदेशों में हिंदी से जिस भाषा का ज्ञान होता है, बोध होता है, उसके भारत में कई रूप प्रचलित हैं, जिन्हें इस प्रकार से विभाजित किया गया है। ध्यान से देखो, सबसे पहले है व्यवहारिक अथवा संपर्क भाषा, दूसरी है मानक भाषा, तीसरा मातृभाषा, चौथा राजभाषा, पांचवी है राष्ट्रभाषा। तो भाषा का अनेक रूप किसने रूप में देखा, तुम लोगों ने पांच रूप हुआ, संपर्क भाषा अथवा व्यवहारिक भाषा, मानक भाषा, मातृभाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा। अब देखो संपर्क भाषा क्या है। संपर्क भाषा क्या है? भारत के जनसाधारण अर्थात विभिन्न भाषा भाषियों के व्यवहार की भाषा संपर्क या व्यवहारिक भाषा कहलाती है। ध्यान से देखना, भारत के जो जनसाधारण लोग हैं, अनेक भाषा भाषियों वाले लोगों के व्यवहार की भाषा को संपर्क भाषा या व्यवहारिक भाषा कहा जाता है। इसका प्रयोग सिनेमा, रेडियो, कारखानों, सरकारी कार्यालयों में होता है। आपस में जो बातचीत करते हैं लोग, उसी भाषा को संपर्क भाषा या व्यवहारिक भाषा का नाम दिया गया। यह भाषा आपसी वार्तालाप, पत्र व्यवहार आदि में अधिक काम आती है, जिसमें स्थानीय प्रभाव के कारण लोक प्रचलित शब्दों का भी समावेश होता है। जब आपस में सब लोग बातचीत करते हैं तो वहाँ के जो लोक प्रचलित शब्द हैं उसका भी लोग प्रयोग करते हैं। इस प्रकार की भाषा देश के प्रत्येक कोने में बोली और समझी जाती है। संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग पूरे भारत में किया जाता है। समझ में आया बच्चों? संपर्क भाषा क्या है? जनसाधारण के व्यवहार की भाषा को ही संपर्क भाषा कहा जाता है। दूसरा देखो मानक भाषा। मानक भाषा क्या है? यह ऐसी भाषा है जो एक निश्चित पैमाने के अनुसार लिखी या बोली जाती है। मानक भाषा क्या है? यह एक ऐसी भाषा है जो एक निश्चित पैमाने के अनुसार बोली या लिखी जाती है। इसका अपना एक व्याकरण होता है, ठीक है। पत्र व्यवहार में, विद्यालयों में तथा सरकारी कार्यालय में मानक भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी में इसको माने मानक भाषा को स्टैंडर्ड हिंदी कहा जाता है। आज देश में भाषा का यही रूप प्रचलित हो रहा है। मानक भाषा का प्रयोग जो है विद्यालय, सरकारी कार्यालय में किया जाता है, ठीक है। मानक भाषा का अपना एक व्याकरण है। तीसरा देखो बच्चों, तीसरा है मातृभाषा। मातृभाषा क्या है? ध्यान से देखना, बच्चा जब अपने परिवार में या अपनी माँ से जब कोई भाषा सीखता है, जब कोई बोली सीखता है, तो उसी भाषा को मातृभाषा कहा जाता है। परिवार या माँ से ग्रहण की गई भाषा ही मातृभाषा है। जैसे बांग्ला भाषी परिवार की मातृभाषा बांग्ला होती है, बालक मातृभाषा के माध्यम से ही रीति रिवाजों और परंपराओं को सीखता है, ठीक है। मातृभाषा क्या है? मातृभाषा उसे कहते हैं जो बच्चा अपने
परिवार में सीखता है वही मातृभाषा है। अब हम देखेंगे राजभाषा। देखो राजभाषा क्या है, राजभाषा को शासन की भाषा कहा जाता है। शासन की भाषा का मतलब क्या है, ध्यान से देखना, सरकारी कार्यों में प्रयोग की जाने वाली भाषा को राजभाषा कहा जाता है। ठीक, सरकारी कार्यों में प्रयोग की जाने वाली भाषा को राजभाषा कहते हैं। अब आगे देखिएगा ध्यान से, संविधान में 14 सितंबर 1449 ईस्वी को देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को केंद्र की राजभाषा का दर्जा दिया गया। जिन प्रांतों में हिंदी नहीं समझी जाती वहां हिंदी के पत्रों के साथ अंग्रेजी में उनका अनुवाद भेजा जाता है। समझ में आया? अब देखो राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या है, राष्ट्रभाषा वह भाषा है जिसका प्रयोग राष्ट्र के अधिकांश लोग करते हैं। राष्ट्रभाषा क्या है, राष्ट्रभाषा वह भाषा है जिसका प्रयोग राष्ट्र के अधिकांश लोग करते हैं। यह एक ऐसी भाषा है जो पूरे देश में माने, राष्ट्रभाषा ऐसी भाषा को मानते हैं जो पूरे देश में माने, सभी लोग उसको माने। भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए तो हिंदी का प्रचलन उत्तर भारत से लेकर दक्षिण तक तथा पूर्व से पश्चिम तक है। ठीक है बच्चों, एक बार फिर रिपीट करते हैं। भाषा का अनेक रूप, सबसे पहले देखिए भाषा का अनेक रूप माना गया, जिसमें आता है व्यवहारिक अथवा संपर्क भाषा, फिर है मानक भाषा, मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा। भाषा का विविध रूप क्या माना गया, 5 प्रकार से। तो व्यवहारिक भाषा किसे कहते हैं, भारत के जनसाधारण अर्थात विभिन्न भाषा भाषियों के व्यवहार की भाषा को संपर्क या व्यवहारिक भाषा कहा जाता है। यह भाषा आपसी वार्तालाप या पत्र व्यवहार आदि के आदि में अधिक काम आती है। समझ में आया बच्चों? दूसरा है मानक भाषा। यह ऐसी भाषा है जो एक निश्चित पैमाने के अनुसार लिखी या बोली जाती है, इसका अपना व्याकरण होता है। पत्र व्यवहार में विद्यालयों में तथा सरकारी कार्यालयों में इस भाषा का प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी में इसे स्टैंडर्ड हिंदी कहा जाता है। ठीक है, अब आगे देखो मातृभाषा। मातृभाषा क्या है, जो भाषा परिवार या माँ से ग्रहण की जाती है उसे ही मातृभाषा कहते हैं। अब देखो चौथा है राजभाषा। राजभाषा को शासन की भाषा कहा जाता है, जिसका प्रयोग सरकारी काम में किया जाता है। संविधान में 14 सितंबर 1449 ईस्वी को देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को केंद्र की राजभाषा का दर्जा दिया गया। राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा वह भाषा है जिसका प्रयोग राष्ट्र के अधिकांश लोग करते हैं। यह एक ऐसी भाषा जो पूरे देश में मान्य हो उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। समझ में आया बच्चों? आज जो हमने समझाया उसके संबंध में कुछ प्रश्न दे रहे हैं, ध्यान से देखना। और इन प्रश्नों के उत्तर जो कुछ हमने आज समझाया उसके अनुसार तुमको लिखना है। ठीक है, और इसको अपने क्लास वर्क की कॉपी में करना है। क्लास वर्क की कॉपी में सुंदर ढंग से करके, सुंदर राइटिंग में लिख करके मुझे दिखाना है, हर एक बच्चे को दिखाना है, क्योंकि मई के लास्ट वीक में तुम्हारा टेस्ट होगा, इसलिए सबको करना अनिवार्य है। जो कुछ समझाया जा रहा है उसके आधार पर जो प्रश्न दिए जा रहे हैं उसे तुम लिखा करो। सबसे पहला क्वेश्चन है भाषा के कितने रूप हैं, लिखो। दूसरा, सेकंड क्वेश्चन, मानक भाषा किसे कहते हैं। तीसरा प्रश्न है राजभाषा को
स्पष्ट करो। चौथा है, चौथा प्रश्न, मातृभाषा और संपर्क भाषा में क्या अंतर है? समझ में आया बच्चों? तो ये सारे प्रश्नों का उत्तर तुम जरूर लिखना, पहले समझना फिर लिखना, और लिख के मुझे दिखाना। कल हम लोग फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू स्टूडेंट।